Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you the use of do, does and did. Do, does and did. क्या है आपको अच्छी तरह से पता होगा, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, आप यूज़ भी करते होंगे do और does और did का. But मैं आज पूरा concept क्लियर कर देने वाला हूँ. जहाँ जहाँ भी हम do और does और did का इस्तेमाल करते हैं वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज होते रहते हैं कि डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है, और किस तरह के सेंटेंसेस में हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या सभी सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, कोई खास सेंटेंसेस ही होते हैं जहाँ पर हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं. बट सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि डू और डज किस सब्जेक्ट के साथ लगता है. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा कीजिए. अगर आपको सचमुच में इंग्लिश सीखना है, अगर आपने सचमुच में सीखने के लिए ही वीडियो को ओपन किया है, तो आप अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, वरना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा. ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं. डू और डज, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि डू का और डज का इस्तेमाल हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं. तो आपको मैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, सरल तरीके से समझा रहा हूँ, किसी को भी समझ में आ जाएगा, एक बच्चा भी समझ जाएगा. जैसे आई और यू, इतना तो आपने सुना होगा. आई और यू को छोड़कर, आई और यू को छोड़कर जब भी हम किसी भी सेंटेंस में एक की बात करते हैं, सिंगल की यानी सिंगुलर नंबर की, तो उसके साथ डज लगता है. यानी कि एक की बात करेंगे तो, अगर हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा, तो वहाँ पर डू लगता है. ओके फ्रेंड्स, तो आई और यू को छोड़कर अगर हम किसी भी सेंटेंस में एक की बात करते हैं, यानी कि उसका सब्जेक्ट अगर एक है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो उसके साथ डज लगेगा, और एक से ज़्यादा है तो डू लगेगा. और आप बोलेंगे कि और आई और यू के साथ क्या लगता है, तो इनके साथ भी डू ही लगता है. ओके फ्रेंड्स, सिंपल है. किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं और वो थर्ड पर्सन है, यानी कि आई और यू को छोड़ के है, तो उसके साथ हम डज लगाते हैं, बाकी सब में डू लगा दीजिए. ओके फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि डू और डज किस तरह के सेंटेंसेज में लगाते हैं. तो मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर देने वाला हूँ, आप पूरा वीडियो देखना, छोड़ना मत. सबसे पहला, इंपरेटिव सेंटेंसेज में. जब इंपरेटिव सेंटेंसेज में नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो वहाँ पर हम डू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम बोल रहे हैं वहाँ मत जाओ, तो वहाँ मत जाओ के लिए हम डू नॉट गो देयर बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, दरवाज़ा मत खोलो, डू नॉट ओपन द डोर बोलते हैं. हम डू नॉट को एक साथ मिलाकर डोंट भी बोल सकते हैं. डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट. तो दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर. कुत्ते को मत मारो, डोंट हीट द डॉग. चाय मत पियो, डोंट टेक टी. जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव है, उनमें सिर्फ डू का इस्तेमाल होता है, डज का इस्तेमाल नहीं होता है. ओके फ्रेंड्स, अभी इम्परेटिव सेंटेंस में नेगेटिव के अलावा भी इस्तेमाल होता है डू का, जब हम ज़रूर या अवश्य की बात करते हैं, कि कल तुम मुझसे ज़रूर मिलना, डू मीट मी टुमारो. कल मेरी बुक ज़रूर लाना, डू ब्रिंग माई बुक टुमारो. ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंसेज में डू का इस्तेमाल ऐसे करते हैं हम. अभी उसके बाद है, मेरे पास पैसे नहीं हैं. पास यानी कि पोजिशन वाले सेंटेंसेस, जितने भी पोजिशन वाले सेंटेंसेस हैं, यानी कि पास होने या अधिकार की बात की जाए. जैसे उसके दो भाई हैं, यानी उसके पास दो भाई हैं. उसके दो भाई हैं, मुझे हिम्मत है, यानी मेरे पास हिम्मत है. उन लोगों के पास कार है. संबंध जताने वाला या अधिकार जताने वाला सेंटेंसेस है वो सारे के सारे, उसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, ये सारे के सारे डू डज का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी. उन लोगों के पास घर नहीं है, दे डू नॉट हैव हाउस.
या दे डोंट हैव हाउस। अभी हम डज वाला सेंटेंस बोलते हैं, मेरे भाई के पास बाइक नहीं है, माई ब्रदर डजंट हैव बाइक, या माई ब्रदर डज नॉट हैव बाइक। उसके पास हिम्मत नहीं है, यानी उसको हिम्मत नहीं है, ही डज नॉट हैव करेज। ओके फ्रेंड्स, जितने भी पास वाले सेंटेंसेस हैं, यानी कि पोजेशन वाले सेंटेंसेस जितने भी होते हैं अधिकार जताने वाली किसी चीज़ पे, तो उसमें हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स को डू और डज लगाकर बनाते हैं। बिना डू डज के भी बनाते हैं, ऐसा मत आप समझना कि उनको डू डज लगाकर ही बनाते हैं, बिना डू डज लगाकर भी बना सकते हैं। बट डू डज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, वो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। तुम्हें दवाई नहीं खाना है, तो यहाँ पर जो मजबूरी में कुछ करने की बात होती है कि उसे दवाई खानी पड़ती है या उसे दवाई खाना है, तुम्हें कल आना है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, यानी कि विवशता में कुछ करने की बात हो, तो वैसे सेंटेंसेस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे दवाई नहीं खाना है, आई डू नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। उसे स्कूल नहीं जाना है, ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। आपको यहाँ नहीं आना है, यू डू नॉट हैव टू कम हियर। क्या उन लोगों को जाना है, Do they have to go? क्या आपको काम करना पड़ता है, Do you have to do work? उसे क्या करना पड़ता है, What does he have to do? Okay friends, तो इस तरह के sentences में भी हम do does का इस्तेमाल करके बनाते हैं। But ध्यान रहे, negative, interrogative और question word वाले sentence में ही do does का इस्तेमाल करते हैं। Okay friends, अभी आगे है। मैं चाय नहीं पीता हूँ, ये मैं चाय नहीं पीता हूँ, ये किस तरह के sentence हो गए। This sentence is from the tense, और ये tense है present indefinite tense, यानी simple tense, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके फ्रेंड्स, जब सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, वर्ब के अंत में आता है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उसमें हम डू डज का इस्तेमाल ही करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। सीता गीत नहीं गाती है, सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग। क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। क्या वे लोग खेलते हैं, डू दे प्ले। आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो। वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। ओके फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज में भी डू डज का इस्तेमाल होता है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस में एक तरह का और सेंटेंस आता है, वह गाता तो है, वे लोग आते तो हैं, तुम चाय पीते तो हो। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, जो ज़्यादा जोर देकर बोला जाता है, उसमें भी हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह गाता तो है, ही डज सिंग। तुम आते तो हो, यू डू कम। वे लोग खेलते तो है, दे डू प्ले। वह जाता तो है, ही डज गो। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत वाले सेंटेंसेस में जिसमें रिक्वायर होती है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब जरूरत की बात की जाए कि उसे कार की जरूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और उसमें नेगेटिव हो कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसे कार की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे सेंटेंसेस में हम डू डज का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू गो। उसे चाय पीने की ज़रूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू टेक टी। हम लोगों को खेलने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू प्ले। जितनी भी ज़रूरत वाले सेंटेंसेज होते हैं, उसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में हम डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू गो। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू कम हियर। क्या आपको दवाई खाने की ज़रूरत है,
डू यू नीड टू टेक मेडिसिन, क्या उन लोगों को खेलने की ज़रूरत है, डू दे नीड टू प्ले, आपको क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड टू डू, उसे दवाई खाने की ज़रूरत क्यों है, व्हाई डज ही नीड टू टेक मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा इन जितने सारे सेंटेंसेस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वैसे सेंटेंसेस में हम डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है जिसमें हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन्हीं सब सेंटेंसेस में और ज़्यादातर नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में ही डू डज का इस्तेमाल होता है, और डू का इस्तेमाल कहाँ होता है और डज का इस्तेमाल कहाँ होता है वो भी आप समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब समझते हैं डिड का इस्तेमाल। तो डिड के लिए किसी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ डिड लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि आई के साथ कुछ और ही के साथ कुछ और, सबके साथ, बट लगाते कब है। तो इन जितने सारे सेंटेंसेज हैं, इनका मैंने आपको बताया सब इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड, तो इन सारे सेंटेंसेज का जब पास्ट फॉर्म होगा, पास्ट फॉर्म, तो उसमें डू डज की जगह पर डिड लग जाएगा। जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई Did not have money। ओके फ्रेंड्स, क्या आपके पास कार थी, Did you have car? इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि did किसके साथ लगाएंगे, मतलब I के साथ क्या लगाएंगे, you के साथ क्या लगाएंगे, इसमें सबके साथ did ही लगता है। ओके फ्रेंड्स, आगे है, तुम्हें दवाई नहीं खाना है, तुम्हें दवाई नहीं खानी थी, पास्ट, तो यू डिड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, क्या आपको मुंबई जाना था, डिड यू हैव टू गो टू मुंबई, उसे वहाँ क्यों ठहरना पड़ा, व्हाई डिड ही हैव टू स्टे देयर। ओके फ्रेंड्स, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका पास्ट फॉर्म ले लेते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो जैसा मैंने प्रेजेंट में बनाया कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू गो, वहाँ पर पास्ट फॉर्म हो गया कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पर डू की जगह डिड लग जाएगा, आई डिड नॉट नीड टू गो, क्या आपको आने की ज़रूरत थी, डिड यू नीड टू कम, क्या उसे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत थी, डिड ही नीड टू मीट डॉक्टर, आपको कहाँ जाने की ज़रूरत थी, वेयर डिड यू नीड टू गो। आगे, मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसका मैंने आपको शायद नहीं बताया, मैं चाय नहीं पीता हूँ, अगर इसका पास्ट फॉर्म होगा तो मैं चाय नहीं पीता था, यानी मैं चाय नहीं पिया, कोई भी पास्ट फॉर्म ले लीजिए, आई डिड नॉट टेक टी, उसने दवाई नहीं खाई, ही डिड नॉट टेक मेडिसिन, क्या आपने खाना खा लिया, डिड यू टेक डिनर, या लंच होगा तो लंच, डिड यू टेक लंच, क्या उन लोगों ने मैच जीता, डिड दे विन द मैच, आपने मेरे लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू फॉर मी। ओके फ्रेंड्स, वह गाता तो था, वह गाता तो है, ही डज सिंग, और वहाँ पर पास्ट फॉर्म आ गया, वो गाता तो था, ही डिड सिंग, वे लोग खेलते तो थे, दे डिड प्ले, तुम आते तो थे, यू डिड कम। ओके फ्रेंड्स, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, ये ज़रूरत वाला भी आपको मैंने बता ही दिया कि ज़रूरत वाले, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू गो, अगर उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा तो आई डिड नॉट नीड टू गो, क्या आपको जाने की ज़रूरत थी, डिड यू नीड टू गो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डू डज और डिड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एक बात और जान लेना ज़रूरी है कि डू डज और डिड का इस्तेमाल हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, जैसे उसने नहीं किया, ही डिड नॉट डू, मैंने किया, तो यहाँ पर मैंने किया के लिए आई डिड हम लिखते हैं, यहाँ पर डिड मेन वर्ब हो गया, आई डिड। ओके, वह करता है, ही डज, तुम करते हो, यू डू, वे लोग करते हैं, दे डू, इस तरह का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वह करता है तो ही डज। ओके, बिना नेगेटिव इंटरोगेटिव के भी हम इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अभी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके लिए कि डू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और डिड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए इनका इस्तेमाल होता है, वो तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए कि
और आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं और आप क्या सीखना पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए वैसे लोगों को जिन्हें इंग्लिश सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।